मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, ठीक है? तो गाइस, अभी लास्ट व्लॉग जो आपने मेरा देखा था वो मैं म्यूजियम गई थी देखने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि कुछ पानी वाली जगह जाए जाए। वैसे तो पूरे कोची में पानी ही पानी है। आज मैं जा रही हूँ वाटरफॉल, ठीक है, और देखते हैं कि कोची का वाटरफॉल कैसा है। यहाँ पर भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं और ये आपके लिए सरप्राइज होगा, या सस्पेंस भी कह सकते हो आप, कि कौन से वाले वाटरफॉल जा रही हूँ। ये मेरी बहन, और आज हमने तीनों ने थीम रखी है ब्लैक, ठीक है? तो आज हम ब्लैक ब्लैक होके जा रहे हैं, तीनों ने ब्लैक पहना है। अभी क्या है ना कि बारिश हो रखी है और सारा सब कुछ, बारिश होती है ना यार, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ही शुरू हो जाते हैं, मतलब चलना, ठीक है? और देख रहे हो ग्रीनरी कितनी है मेरे घर में। और बस हमारी गाड़ी भी आ चुकी हुई है बाहर। कितनी देर से भैया गाड़ी ऑन करके खड़े हुए हैं। गाड़ी के अंदर बैठते हैं तन्नु, चलो बैठो अंदर। Ready to go? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Yes, ready to go। बैठ चुकी हूँ गाड़ी में और बस निकल रहे हैं। पहला ब्रिज चढ़ चुके हैं, ठीक है? और ये भैया फुल ऑन मूड में, और हस्बैंड का तो फेस रिवील नहीं हो सकता, सॉरी गाइस, ठीक है? और ये यहीं पर ही हैं। अब आप ये देख सकते हो यहाँ के नज़ारे। वैसे तो सारे वीडियोस में आपको सेम ही नज़ारे मिलने वाले हैं, ठीक है? और ये देखो कोची मेट्रो का, कोची मेट्रो, और ये नीचे रेलवे का ट्रैक भी दिख रहा होगा। हमारे मतलब आपको आपको, और ग्रीनरी भी बहुत, ग्रीनरी तो है ही यार कोची में, और है ही क्या, ग्रीनरी ज़्यादा है। और ये मेरी सिस्टर तन्नु, से हेलो। हाय हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आप सब, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आई विश कि आप भी करोगे। छोटी सी लाइफ है और उसको व्लॉगिंग के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है? अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस यार, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हो रहा है। अब देखो आज एक नंबर मौसम तो नहीं कह सकते, बट हाँ साफ हो रखा है मौसम, धूप हो रही है, ठीक है? क्योंकि पूरे सूर्य देवता आज प्रसन्न हो गए हैं पूरे अच्छे से, और बिल्कुल फुल ऑन मूड में है सूर्य देवता भी। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। जब तक आप हाँ नहीं करोगे तो आप व्लॉग में नहीं आओगे। आपको लोग हैं क्या हिंदी वाला? हिंदी वाला लोग है आपका? हाँ हिंदी वाला था एक लोग, हिंदी तो थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। नहीं। चलो गाइस यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं अरिकल वाटरफॉल। ये ना यार पंपकुदा कोई पंचायत है और वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है? और इसका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है ना वो अरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट लगता है। और यार ये देखो यहाँ पे नज़ारे आपको कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, ग्रीनरी देख रहे हो आप यहाँ पर कितनी है। तो बस चलते रहो यार। और ये पता है यार, अट्रैक्शन में जब आया था ना, बेसिकली 2014 में आया था, और जब फर्स्ट टाइम इसको किसी ने देखा होगा, और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि केरला जो गवर्नमेंट है ना उसने इसको लॉन्च किया। चलो फिर देखते हैं बाकी का, वही बताती हूँ आपको। तो गाइस शुरू करते हैं अब यहाँ का ट्रिप, ठीक है? चलते हैं गाइस, और चलते हैं और दिखाती हूँ आपको नज़ारे यहाँ के। देखो चलो यार चलते हैं और देखते हैं आगे क्या मिलता है यहाँ पर। आ तो गए हैं, और ये मेरी सिस्टर को देखो क्या दिखा रही है यार, ये समझ में नहीं आया ये फ्लावर किस टाइप का है, मतलब देख रहे हो लीव्स की तरह ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार रेड लीव। शाबाश, ये देख सकते हो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का सा व्यू मिल गया होगा। हाँ तो मैं क्या बता रही थी आपको, ये ना ये यार मानाथुर हिल से गिर रहा है, यहाँ पे जो ये पानी आ रहा है ना वो उस हिल से गिर रहा है, और 70 फीट अराउंड उसकी हाइट है जहाँ से ये गिर रहा है। एक्चुअली इस वाटरफॉल के ना तीन लेवल है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर ये लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं और ये जो टूरिस्ट प्लेस बन रखा है ना इस टाइम, ये थर्ड लेवल है यहाँ पर जहाँ पर आप ये इंजॉय कर पा रहे हो। तो यार देख सकते हो आप मज़े तो आ ही रहे हैं यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है।
और मुझे ना यार सच बताऊँ तो पानी से यार बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट ठीक है यार आप लोगों को दिखाना था और थोड़ा सा रिलैक्स मुझे भी होना था, तो मैंने सोचा कि यार चलो चलते हैं, पास में है तो ठीक है। और बस किस तरीके से हो रहा है, ऊपर भी है थोड़ा सा घूमने के लिए, फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा नीचे आते हैं पहले, यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं अपना। और मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी बट वो कह रहे थे कि नहीं मैं तुम्हारा शूट करता हूँ और तुम लोग इन्जॉय करो। और यार बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, अगर आप फ़ोटोज़ के लिए या फिर क्या बोलते हैं रिलैक्स होने के लिए आना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कितनी मस्ती कर रहे हैं मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर। और यार सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना, तो यहाँ पे नियर बाय और भी दो तीन जगह हैं, तो आप वहाँ पर भी घूम सकते हो। तो मुझे एक दो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर कोच अरिकल केव्स भी है और मंदलम माउंट है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा कितना ऑसम हो रखा है। तो यहीं पे अपने को तो यही बता रहे हैं भाई, यही बता रहा है अपने को तो। अब उन नहीं जाने वाला ऊपर ऊपर, मैं नहीं जा रही यार, मेरे को तो यही मजा आ रहा है। बेचारे उस बच्चे को तो उसके मम्मी पापा ने अकेले बिठा दिया, फिर मैंने सोचा यार चलो मम्मी तो आ ही गई है उसकी, हम अपना एंजॉय कर लेते हैं। बस यार यहाँ पे ना म्यूज़िक की कमी थी, बाय गॉड इतना मज़ा आ रहा था, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, देख सकते हो कितनी मस्ती चल रही है मेरी, तो बस गाना चल रहा है ब्लू है पानी पानी। यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है ना बता नहीं सकते। आप भी आना कभी और इन्जॉय करना हमारी तरह, मस्त मज़े आ रहे हैं, मुझे तो भाई एक नंबर और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अगर आपको भी रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ज़रूर आए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो सारी खाई दिया है, ऊपर है बॉयज़ के लिए, ठीक है। ये देख सकते हो लड़कों को मस्ती चल रही है भाई, और देखो ऊपर का व्यू कितना अच्छा है घर से, बट मैं इस साइड से आई हूँ यार। अब आ गई हूँ ऊपर और ये देख सकते हो मेरे फेस, यार इतना डर लग रहा था, पानी तो देखो यार आप, पानी से इतना डर लगता है मुझे, बट फिर भी जैसे जैसे करके यार ये दोनों इतना फोर्सफुली मुझे ऊपर लेके आ गए। बट आपकी बहन पोज मारने में कैसे पीछे रह सकती है, मैंने कहा यार चलो अब आ ही गए हैं तो छोड़ो रोना धोना, फोटो सेशन तो कर ही लेते हैं यार। फिर बस क्या था, एक दो पिक क्लिक करवाई और यार बस मज़े तो आ ही रहे थे यहाँ पर। और यार बताऊँ सच में आगे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, एक तो इस पानी को देख के, नीचे तो इतना साफ पानी लग रहा था, ऊपर पता नहीं ये येलो येलो क्यों लग रहा है। ये देख सकते हो आप, अभी मैं बोल रही थी ना आपसे कि मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, ऊपर नहीं आ रही हूँ, तो अभी आ चुके हैं ऊपर। और ये देखो गाइस अंदर में बता दी क्या हुआ मेरे साथ, ये डूब गई और इसको बचाने के चक्कर में कैमरा भी बंद करना पड़ा। अभी मैं डूबने वाली थी लेकिन सच में मैं बच गई, मतलब इतना तो गहरा पानी नहीं है, बैलेंस आउट होने के कारण लापरवाही का बैलेंस आउट हो गया और शूट भी नहीं हो पा रहा है। ये देखो मैं गाइस इससे ज्यादा पानी में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पानी से लगता है बहुत ज्यादा डर। आपको सिर्फ शो करने के लिए मैं आ गई बस यहाँ पे, बाकी नजारा सच बताओ ना गाइस तो बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, बट मुझे ना पानी से सीरियसली बहुत ज्यादा डर लगता है। नहा ली हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से खूब मजे कर लिए और अब बस निकलते हैं क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड पे आपको पता है कितना रश होता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से टाइम से निकलना चाहिए घर के लिए अभी। गाइस बहुत मजा आए, पूरे भीग चुके हैं लेकिन मजे बहुत करे। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं तो बस चेंज करेंगे गाइस और उसके बाद एक कड़क सी चाय पियेंगे और फिर निकलते हैं, लेकिन चाय नहीं पीएंगे, मिलते हो आपसे चेंज करके। ओके हेलो गाइस, तो भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों इंजॉय कर लिया पूरा और चेंज भी कर लिया, बस अब चलती हूँ घर के लिए क्योंकि यार बाल देख रहे हो पूरे गीले हो चुके हैं। और ना एक तो ना आवाज़ ठीक से नहीं आएगी क्योंकि मैं ज़्यादा लाउड भी नहीं बोल सकती। और ये देखो नज़ारा दिखा देती हूँ, तो ये है पूरा पीछे का व्यू, ठीक है मैं ठीक है
के यहाँ पर फोटो ले ली मैंने अच्छे से, पूरा प्रॉपर इंजॉय कर लिया बढ़िया करके, और अब बस चलते हैं घर के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर तन्नू ने भी चेंज कर लिया। हेलो तन्नू। हाँ चेंज कर लिया गाइस, बहुत इंजॉय करा, अब हम पियेंगे कड़क सी चाय। भाईसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और आपको तो मजा आया होगा, तो ज्यादा नहीं तो यार हर संडे तो आ ही जाना, रिलैक्स तो हो जाओगे आराम से, ठीक है। बाकी व्यू सुन, यहाँ की चाय आप व्यू देख लो एक बार कैसा है, ठीक है। वहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा सेंटर में पूरा, भाई जो गांव से है ना उनको तो पता होगा उद्दी के हुए, तो वह उद्दी बनी हुई पूरी पीछे, ठीक है। अरिया नीचे पानी आ रहा बहता हुआ, नीचे ले लो, नीचे का व्यू भी बड़ा तगड़ा आएगा फोटो में तो, और ऊपर का भी, तो देख लिए अपने हिसाब से। कोई नहीं यार आ जाओ सारे, बहुत मजा आने वाला आपको, ठीक है। बस चलती हूँ आप जल्दी से, क्योंकि यार वीकेंड का वार है और इससे पहले कि रश हो जाए ज़्यादा निकल लेना चाहिए। चलो चलते हैं फिर, ठीक है। वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है कि जितना भी था इसमें, ठीक है, तो वो सारा वीडियो में आ जाएगा। बाकी बस चलते हैं, मतलब अब घर जा रहे हैं वापसी, ठीक है। और ये इसको बोल देते हैं बाय बाय अरिकल, आएंगे जल्दी मिलने के लिए, ठीक है। तो ये इसका व्यू है छोटा सा, ये खुद्दी जो मैं बोल रही थी आपको वह है, और नीचे है थोड़ा सा व्यू पॉइंट स्नान करने वास्ते। चलो फिर चलते हैं, और ना यार हेयर गिल्ले हो गए सारे, पानी में तो गिल्ले ही हो जा। खैर आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा जब आप यहाँ पर आओगे, तो कैमरे में इसलिए नहीं देख रही हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ नीचे, इसलिए आना आप यहाँ पर, और आप भी बहुत इंजॉय करोगे जब आओगे तो। बाकी मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। A few moments later. और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सांस ले लेके चला जाए, क्योंकि मैं थक गई, मुझे अपने घर जाना है। बस यार देख लो सनसेट के भी नज़ारे, निकल गई हूँ यहाँ से, बस अब चलते हैं जल्दी से घर। सनसेट हो रहा था तो मैंने सोचा यार आपको ये व्यू भी दे दूँ थोड़ा सा। तो गाइस बस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बाकी तो यार देख ही रहे हो, आपको मज़ा तो आ ही गया होगा वीडियो में। तो बस मिलती हूँ इससे अगले व्लॉग में, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखना, बाय।